प्रदेश में आम लोगों की सुरक्षा और हितों के प्रति जिम्मेदार आला अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार माफियाओं के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर आम लोग भी अब सकते में आ गए हैं, क्योंकि जिन जिम्मेदार अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों के हाथों में आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इन माफियाओं की बेरोक टोक कारगुजारियों और IAS अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला प्रदेश की सरकार और राजनीतिक मंचों से आम लोगों की सुरक्षा और तरक्की की दुहाई देने वाले लोगों पर भी सवाल खड़े कर गई। हालांकि कुक्षी में SDM नवजीवन सिंह पंवार पर जानलेवा हमले के आरोपी अलीराजपुर जिले के खरखड़ी गांव के शराब तस्कर सुखराम के घर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और उसने भवन के अवैध हिस्सों को गिराने का काम शुरू किया। क्या इस घटना का अंजाम उक्त आरोपी सुखराम और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी और उसके घर को गिरा देने तक ही सीमित होगा, या इस पूरी घटना के पीछे के मास्टरमाइंडों तक भी प्रशासन पहुंच पाएगा? अवैध शराब मामला जिसके चलते धार ही नहीं प्रदेश भर में कई बार खूनी संघर्ष हुए हैं और कई जाने भी गई हैं। इसी कारण के चलते कुक्षी SDM और नायब तहसीलदार पर हुए जानलेवा हमले के पीछे इंदौर के नामी शराब कारोबारी रिंकू भाटिया के संचालन वाली बड़वानी जिले के सिलावट की दुकान से निकला माल बताया जा रहा है। शराब कारोबारी रिंकू भाटिया, जिनके अवैध शराब तस्करी सहित गोलीकांड और मारपीट सहित कई गंभीर मामलों में नाम है, का पूरे मामले में कोई जिक्र नहीं है, जो कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दबी जुबान में जानकार बताते हैं कि अगर अवैध शराब के खेल पर नकेल कस दी जाए और भारी मुनाफे के चक्कर में अन्य ठेकेदारों के इलाकों में अपना माल खपा कर मुनाफे की यह दुकान बंद कर दी जाए तो कई अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि उक्त शराब तस्करी का खेल अधिकारियों के संज्ञान में भी होता है, पर राजनीतिक संरक्षण कार्रवाई पर अंकुश लगा देता है। आज जब एक IAS अधिकारी पर जानलेवा हमला हो गया है तो प्रशासन अब कितनी कठोर कार्रवाई करेगा यह देखने वाली बात है, या इस तरह की खानापूर्ति से ही लीपापोती हो जाएगी। हालांकि आबकारी विभाग धार के अधिकारी शराब तस्करी के मामले में बड़वानी के सिलावट दुकान से निकली शराब मामले में जांच पड़ताल के बाद कार्यवाही की बात कर रहे हैं।